Hello guys, if you like my channel, please don't forget to subscribe and hit this bell icon. Hello everyone, now UPTET notification is out. So here are some important dates. Important dates हैं आपके, so आप जो आपको याद रखनी है वो है last date of online registration, okay, 2011-2019. आप जिन्होंने भी पिछली बार qualify नहीं हो पाए जिसे, उनके लिए बहुत ही अच्छी opportunity है. और अगर आप देखेंगे लास्ट जो डेट है रजिस्ट्रेशन सबमिशन का वो है आपका 21 तक. और तो जो बात है तैयारी की, अगर हम बात करें तो आप लोगों को सारे पार्ट्स करवाने की कोशिश करेंगे यूपीटीईटी के भी. आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप इससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, फॉर्म फिल कर लें. इसमें आप लोगों का, क्योंकि जो भी स्टेट के टीईटी होते हैं, स्टेट के टीईटी में फैक्ट्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन पिछले दो सालों की अगर हम बात करें तो ये भी चाहे यूपीटीईटी हो, जैसे कि अभी अभी आपने उत्तरांचल टीईटी का पेपर देखा होगा, तो आप देख सकते हैं कि उसमें फैक्ट की जगह फिर से वही लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन, जैसा कि सीटेट लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं. इस बार का टीईटी काफ़ी, जो यूटेट था, उत्तराखंड का टेट था, वो थोड़ा सा टफ था. तो कहीं ना कहीं लेवल बढ़ रहा है. तो आप लोग दोनों चीज़ों के बारे में देखिए कि फैक्ट्स तो याद कीजिए, लेकिन उनके पीछे का जो लॉजिक है उसे ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए. कि अगर आप किसी, जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप किसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो आप उस थ्योरी के एजुकेशनल जो इम्प्लीमेंट्स हैं, कि मीन्स उसे क्लास में, या आप हर उसके बाद अपने साथ ही क्वेश्चन कीजिए कि आपने कोई थ्योरी पढ़ी तो आप देखिए कि उसका एक स्टूडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक टीचर को उस थ्योरी से क्या फ़ायदा होने वाले हैं, और उसे वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है. तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उससे पेपर में काफ़ी मदद मिलती है और हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं. तो ये आप लोगों की डेट्स हैं, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो सी यू soon. We will meet in another video.